ये अमेजॉन रिवर बेसिन जो है ना, ये बहुत ही मायावी जगह है। हम जैसे हॉबिस्ट के लिए तो बहुत ही अलग जगह है। काफ़ी सारे फॉरेस्ट के अंदर से ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हुई, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ऐसे अलग 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 पैरामीटर से गुजरती हुई हुआ ये जो अमेजॉन रिवर है ना, इसमें बहुत सारे फिश पाए जाते हैं और जो कि हमारी हॉबी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आज ऐसे ही एक वार्म वाटर फिश के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि फिश का राजा भी माना जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फिश। तो येस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्कस फिश। काफ़ी लोग जब डिस्कस फिश रखना चाहते हैं तो सोचते हैं कि डिस्कस फिश के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे पानी की यानी कि क्लियर वाटर की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा चीज़ें ना भी किया तो भी चलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स की, मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू कैन कीप डिस्कस फिश एंड दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू फॉलो। तो अगर आप इस हॉबी में नए हैं और आप डिस्कस रखना चाहते हैं तो जस्ट कीप इन माइंड दैट एटलीस्ट 200 लीटर्स का आपका फिश टैंक होना चाहिए, विच कैन बी अराउंड 3 feet। तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, इन विच यू कैन ऐड 6 to 8 पीसेस ऑफ जुविनाइल डिस्कस यानी कि छोटे डिस्कस। ऑल्सो डिस्कस जो है वो 6 to 8 इंचज तक ग्रो करते हैं, तो उस तरीके से आपको आगे का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस वक्त जगह नहीं है तो आप छोटे सा टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 3 feet का ही, लेकिन जिसमें हाइट और ब्रेथ का जो रेशो हो वो अलग हो। लेटर ऑन आप इसके लिए जगह रखिए, बिकॉज 6 to 8 इंचज तक वो ग्रो होंगे। जब आप डिस्कस फिश टैंक के लिए प्लान करेंगे तो आपको लेंथ और हाइट जो है इसका एक रेशो बराबरी से रखना है। ऑल दो डिस्कस आर यूजुअली फ्रॉम द शैलो वाटर साइड, लेकिन जब आप डिस्कस एक्वेरियम में रखते हैं तो उनके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ फिल्ट्रेशन, आई वुड सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर एन एक्सटर्नल फिल्टर, या तो आप सब फिल्ट्रेशन के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कस जो है वो स्लो मूविंग वाटर से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं, लेकिन इन अ फिश टैंक यू हैव टू कीप द वाटर पैरामीटर्स मेंटेन। तो आपको एक अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक्सटर्नल फिल्टर या सम फिल्टर मैंने इसलिए बोला, इसमें मीडिया ऐड करके आप अपने फिश टैंक के वाटर पैरामीटर्स में हमेशा नाइट्राइट और अमोनिया जो है वो ज़ीरो पे मेंटेन कर पाएंगे। अब कब से हम वाटर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाटर पैरामीटर्स आखिर है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर। डिस्कस इज अ वार्म वाटर फिश, तो आपको डिस्कस का टेम्परेचर की जो रेंज है वो 28 डिग्री से 30 डिग्री तक मेंटेन करना है। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा ठंडी सिटीज जो होती हैं, ठंडी जगह जो होती है, वहाँ पर कभी कभी ये टेम्परेचर 32 डिग्री तक भी आप लेकर जा सकते हैं। जब बात करें पीएच की, तो डिस्कस यूजुअली जो स्लाइटली एसिडिक वाटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपका जो पीएच है ट्राई एंड मेंटेन इट इन बिटवीन 6 to 7.5। बात करते हैं वाटर हार्डनेस की, तो इसका जो जीएच है वो आपको 1 to 3 के बीच में मेंटेन करना है एंड केएच जो है वो 1 to 2 होना चाहिए। वाटर चेंज इज़ अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट व्हेन इट कम्स टू एन एक्वेरियम। जब डिस्कस की हम बात करते हैं तो यूजुअली रिकमेंडेड ऐसा है कि आप 25% वाटर चेंज दे सकते हैं एवरी वीक, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली कैसा किस तरीके से आपका टैंक का सेटअप है, आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 to 30% वाटर एवरी मंथ आप चेंज कर सकते हैं या वंस इन 3 weeks आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी चेंज करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। एंड अगर आप बहुत कम फ्रीक्वेंसी में पानी चेंज करेंगे तो टॉक्सिसिटी पानी की बढ़ सकती है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम टू डिस्कस। सो अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन की हुई है, आपका पीएच, आपका बाकी चीज़ें, वाटर हार्डनेस, वाटर पैरामीटर्स प्रॉपरली मेंटेन की है, देन यू कैन ट्राई एंड चेंज 20% वाटर एवरी 3 weeks। अब बात करते हैं डेकोर एंड सबस्ट्रेट की। भाई ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या डिस्कस के टैंक में सैंड रखनी चाहिए या डिस्कस का टैंक शुड बी अ बेयर बॉटम। वेल, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर बेयर बॉटम टैंक है तो जो फूड है या जो फीसिस है उसका जो डर्ट या डस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो आपकी सैंड में सेटल नहीं हो पाते और कंटिन्यूस पानी में घूमते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न आपका बेयर बॉटम टैंक हमेशा थोड़ा सा क्लाउडी लगेगा। ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आप सैंड यूज़ कर रहे हैं तो सैंड में ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी एंड जब आप वंस इन 3 weeks वाटर चेंज करेंगे उस वक्त आप इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। आपको अवॉइड करना है कोई भी कलर्ड चिप्स या कोई भी ऐसे चिप्स जिसमें कॉर्नर्स हो या एजेस हो, बिकॉज डिस्कस आर बॉटम फीडर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेड आपने सिलेक्ट किया है ग्रेवल का, दैट शुड बी सॉफ्ट इनफ सो दैट फिश वहाँ पर जाके अपना फूड जो है वो कलेक्ट कर सके।
जहाँ तक बात है डेकोर की, डेकोरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं ड्रिफ्ट वुड, अनुबियस, जावा फर्न्स, जो कि एक तो वुड क्रीपर्स हैं, ऑल्सो दे रेप्लिकेट देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ऐसे सेटअप्स में डिस्कस आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा हेल्दी दिखेंगे। डिस्कस के टैंक में कभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ यूज़ मत कीजिए, या बहुत ज़्यादा उसको टैंक को भर मत दीजिए। प्लास्टिक की चीज़ें जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक प्लांट्स अवॉइड कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप प्लांट्स को, लाइव प्लांट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो लेट मी टेल यू कि अनुबियस या जावा फर्न्स आर एपीफाइट्स, जो कि हमारे मनी प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। ये वुड क्रीपर्स हैं, तो ये बहुत ही आसानी से आप वुड पे लगा सकते हैं, रॉक्स पे लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा लाइट या ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना कि एक कारपेट या प्रोफेशनली प्लांटेड टैंक में लगेगा। तो इसको आप बहुत ही आसानी से आपके टैंक में लगा सकते हैं एंड आपका फिश बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं डाइट एंड फीडिंग टाइम के बारे में। तो डाइट में डिस्कस को हमेशा एक मिक्स डाइट दीजिए, मतलब अगर पैलेट्स आप दे रहे हैं तो हाई क्वालिटी सिंकिंग पैलेट्स दीजिए। अगर दूसरा आप कोई फूड देना चाहते हैं तो फ्रोजन ब्लड वर्म्स हैं या ड्राई ब्लड वर्म्स हैं, इस तरीके के फूड दीजिए। ऑल्सो काफ़ी लोग डिस्कस को बीफ हार्ट या ऐसा चीज़ें देना चाहते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप प्रॉपर पहले अपना होमवर्क कीजिए कि क्या आपके टैंक में इस तरीके का फूड डालकर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो ही यू गो फॉर फूड्स लाइक दैट। जहाँ तक बात है फीडिंग टाइम के बारे में, तो ये तो मतलब बहुत सारे लोग, मतलब जितने लोग उतने सजेशंस, लेकिन डिस्कस हैव स्मॉल स्टमक्स, ओके। सो अगर छोटे डिस्कस हैं, छोटे मतलब एज में छोटे, जुवेनाइल डिस्कस हैं, तो उनको आप दिन में 3 टाइम फीड कर सकते हैं, एंड अगर एडल्ट्स हैं तो आप उनको दिन में 2 टाइम फीड कर सकते हैं। यूजुअली आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके पास जितने भी फिश हैं, जो भी फिश हैं, उनको दिन में 2 बार फीडिंग कीजिए। द रीज़न बीइंग, एक टाइम आप जो फूड डालते हैं उस वक्त अगर आपसे फूड ज़्यादा डल गया, फिश ने खाया नहीं, तो लेटर ऑन वो फिश नहीं खाने वाला, वो फूड टैंक में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और गंदगी होगी, टैंक से स्मेल आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने फिश का डाइट का जो टाइमिंग है और डाइट का जो क्वांटिटी है उस पर कंट्रोल रखिए। मानिए आपका अब डिस्कस सेटअप हो गया और आपने डिस्कस इंट्रोड्यूस करना है, साथ में ही ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डिस्कस के साथ हम टैंक मेट्स क्या डालें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्कस थोड़ा स्लो मूविंग फिश है। जी हाँ, बिल्कुल स्लो मूविंग फिश है। तो इसके साथ हम ऐसी क्या फिश कंबाइन कर सकें कि और ज़्यादा टैंक में मज़ा आ जाए? तो डिस्कस के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं ब्लैक गोस्ट या क्लाउन लोच या कार्डिनल टेट्रास या कोई ड्वार्फ सिक्लिड्स, इस तरीके की सारी वैरायटीज आप डिस्कस के साथ आराम से डाल सकते हैं एंड आपका जो टैंक है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। विद द राइट केयर एंड प्रॉपर अटेंशन दीज फिश कैन ग्रेस योर एक्वेरियम अप टू नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप अगर एक डिस्कस टैंक सोच रहे हैं करने का, या अगर आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपको ऐसा लगा है कि इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर हुए हैं, या अगर आप नया सेटअप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बूस्ट मिला है, मोटिवेशन मिला है, तो थोड़ा सा हेल्प हमारा भी कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए उन तमाम हॉबीज के साथ जो कि फिश कीपिंग की दुनिया में अभी अभी आए हैं या फिश कीपिंग की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे ट्यून बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।